हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस। एंड जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पर जो सेटअप है, हमने तैयारी कर ली है पूरी। एंड आज हम क्या करने वाले हैं मंथन? आज हम एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने वाले हैं आपके लिए, जस्ट सो वी कैन सेलिब्रेट मैरी क्रिसमस। तो आप आइए और देखिए हम कैसे डेकोरेट करते हैं। चलो, आई होप वी डोंट। कियारा, आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो? है ना, ये एक्चुअली गलत लोगों से सवाल पूछा, हमसे मेकअप का पूछा था, डेकोरेशन में आई एम वेरी बैड। ओह माय गॉड, यार जो भी है चलो फटाफट क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। और जैसा कि चलो तुम लोग स्टार्ट करो। यार खड़े क्यों? कोई एक को मेरे साथ पहनना पड़ेगा। चलो आई कैन वेयर इट फॉर यू, चलो हेल्प मी विद दैट। ओके यार, पूरा हेयर स्टाइल खराब, मेकअप तुम लोग, हेयर दादा का काम बढ़ा हुआ है, मेकअप दादा का काम बढ़ा रहे हो। खैर जो भी है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। एंड क्या क्या है देखते हैं हमारे पास। वी हैव दिस आल्सो। द मोस्ट इंपोर्टेंट बेल, लगाओ। इवन आई स्टिल रिमेम्बर कि जब भी क्रिसमस का वाइब आता था, 25 दिसंबर आता था, तो बचपन में आई यूज टू बाय कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी पॉकेट मनी से आती थी, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिस्टर्स। एंड स्कूल में भी हम लोग काफ़ी ऐसा होता था, लाइक हमें याद है पहला गिफ्ट मेरी क्रिसमस, जब हमें लेजिट पता लगा था क्रिसमस नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो आई वॉज लाइक 12 ईयर्स ओल्ड, सेंटा गिफ्ट देता था। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसे रबर बैंड होते हैं 10 रुपये वाले, तो वो मैंने गिफ्ट किया था। सो या तुम लोग बताओ कुछ। कोई बात नहीं, इनके लिए मोए कर देते हैं, मोए। लाइक मेरे स्कूल में हम फर्स्ट स्कूल में बनाते थे, घर पर तो नहीं बनाते थे। मैं घर पर जब होती थी ना, एक लिस्ट बनाती थी उसमें कि मुझे क्या चाहिए सेंटा से, ये सब। एंड मैं अपने कुशन के नीचे रख के सो जाती थी। जब सुबह उठती थी मिलता तो कुछ भी नहीं था मुझे, तो उससे मैं साइन करवाती थी कुछ लोगों से, इतने लोग मेरी लिस्ट पर साइन करेंगे तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, पर आज तक मिली नहीं। स्कूल में तू बता क्या लेगा तू? हमारा शो नंबर वन कर दो। अरे एग्जैक्टली नंबर वन कर दीजिए, नंबर वन हो जाए ये रिश्ता। चलो स्टार्ट करो, आप बताओ। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आई वॉन्ट कि हैप्पीनेस है ना जितनी है और आए, खुशियाँ और आए, सब चीज़ें अच्छे से हों जो मैं चाहती हूँ, जो मैं लाइफ में गोल्स हैं मेरे और पूरे हों, तो बस यही चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऐसे चीज़ों में, तो बस। या नाइस यार, तुम आप क्या चाहते हो? हमें चाहिए कि हम लोग सब कुछ तो है ये रिश्ता के, अरे शो का हो गया, आप शो में नहीं, हमें शो में ही चाहिए, हमें शो में चाहिए कि मेरी कोई कोई ऐसा लव रोमांस वाला एंगल बने। जिंदगी मेरी काफ़ी ऐसी शादी चल रही है, तो शो में थोड़ा रोमांस करने का मौका मिले। मैं अपनी विश सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ मेरे भैया के लिए, प्लीज कोई रोमांस ढूंढ दीजिए ताकि प्लीज गाइस हेल्प मी, हेल्प मी। हम तो कोई विश ही नहीं है हमारी यार, हम तो बस राम रचा सो होए उसी पे टिका है, नो विशेस। आई थिंक आई लव कृष्ण, सो अगर कितनी भी चीज़ें मुझे ज़िंदगी में मिल जाए, मुझे वो बॉन्ड कृष्ण के साथ मिस नहीं करना। तो आई लव कृष्ण एंड आई लव ह्यूमंस, तो आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ विद एवरी वन। एक सेकेंड, सब कुछ यानी जो मैंने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ जी, चलो चलो दिस इज द लास्ट पार्ट, ओके, ये हम साथ में करेंगे सब लोग। हाँ जी, फिर तो कवर ही हो जाएगा ना। हाँ पहले कैमरे में दिखा दो पूरा। चलो 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 सच बोल दिया यार। हाँ हाँ ऐसी ऐसी ऐसी, अब इसको एक ऐसे स्वर्ल कर दो, बस स्वर्ल कर दो, स्वर्ल कर दो। चलो एंड दिस इज आवर क्रिसमस ट्री डन, एंड अब आप गाने वाले। ओके, जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल ऑल द वे। हमने गाना याद नहीं किया बट फिर भी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू जो भी देख रहे हैं।
गर्व है, बहुत गर्व है मुझे। इस क्रिसमस पर उनकी सारी विश पूरी हो, सारी खुशियां, क्योंकि कहते हैं ना कि सैंटा आया और खुशियां लाया। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे जो चाहने वाले जो हमें देखते हैं उनकी भी विशेष पूरी हों और वो इस शो को थोड़ा और प्यार दें और प्यार करते रहे जैसे करते रहे, बस हम यही चाहते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आप जिंदगी में पाना चाहते हो तो उसके उसके लिए पहले आपको सपना देखना बहुत जरूरी है, विश करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब ने कहीं ना कहीं जहाँ पे हम आज खड़े हैं उसके लिए विश किया था, एंड नाउ इट इज़ गेटिंग ट्रू फॉर अस। एंड अभी जो विश करते हैं वो भी कभी ना कभी हमारी जिंदगी में जरूर सच होगा। तो गाइज कीप विशिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड सबके सपने पूरे होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप सबके सपने पूरे हो जाएं। ऑब्वियसली नया साल चालू होने वाला है, तो ऑब्वियसली नए गोल्स, नई चीज़ें सब देखने को मिलेंगी। सो आई होप जो भी हमें देखते हैं, जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, वो खुश रहें। एंड मैरी क्रिसमस। हाँ, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आपने कहा नया साल आने वाला है, अगर नए साल की बात करें कैसा रहा ये साल आप सबके लिए और आने वाले साल के लिए कितनी उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? फॉर मी तो बहुत अच्छा था ये। फर्स्टली आई एम डूइंग द बिग शो, इतना अच्छा शो मिला है मुझे, इतनी अच्छी कास्ट है, इतने अच्छे लोग मिले हैं, तो इतने अच्छे लोग मिले हैं एंड फ्रेंड्स बने हैं, न्यू लोगों को जानने मिला है। तो आई एम सो हैप्पी कि इस साल मुझे बहुत चीज़ें सीखने मिली हैं, गलत सही कुछ चीज़ों से सीखा है मैंने, बट लाइक इन अ पॉजिटिव वे आई एम ग्रोइंग, तो आई एम हैप्पी। या मेरे लिए आई थिंक ये साल बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं एंड जो जो चीज़ें शायद करना चाहते थे काफ़ी सालों से वो चीज़ें करी है। रियलिटी शो करे जो बचपन से करना चाहते थे, रोडीज़ किया, कुंडली भाग के सेट पर गए, वहाँ पे रोल किया, अभी मैं अपने तीसरे शो में हूँ जो कि है आपको पता ही है ये रिश्ता। सो आई थिंक आई एम अचीविंग अ लॉट एंड दिस ईयर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई होप इसी के जो जो ग्राफ है इसको आगे ले जाएंगे, 2024 को भी क्रैक करेंगे, जब आप आओगे वापस 2025 में तो और कुछ नई खबरें आपको देंगे। फॉर मी इट्स अबाउट इस साल बहुत कुछ हुआ, जैसे साथ में रोना हंसे सब, मतलब एज इन अचीवमेंट्स भी हुए बहुत सारे, ठीक है, बट इन द एंड ये सब होने के बाद भी दिस ईयर आई कैन से आई लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए दैट्स एन अचीवमेंट। सो या ओके, सो फॉर मी यार बहुत अच्छा साल रहा है क्योंकि मेरा पहला शो, और बचपन से जैसे मैं कह रही हूँ मेरे कोई विश नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा विश था एक्टर बनना, ये साल हो गया, सो ऑफकोर्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पहला शो है, बचपन से सबने देख रहे थे टीवी पे आना है, फाइनली इट्स वेरी नाइस। मैरी क्रिसमस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यस, वो भी इन एडवांस, इन एडवांस। यस।